दो नदी की अविरल धाराएं एक रोज कहीं मिल जाए, मैं भागीरथी तू अलकनंदा एक देव प्रयाग बनाए। मिलकर एक दूजे के हम दो चलो पवित्र गंगा बनाए। जिस जिस तट से गुजरे गंगा वहां प्रेम सुधा बहाए। ऋषिकेश शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव प्रयाग पांचों प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग ऑल द फाइव प्रयाग्स। तो अभी आए हैं देव प्रयाग और अब चलते हैं नीचे संगम में। ये बद्रीनाथ हाईवे पे ही पड़ते और मैंने देव प्रयाग आपको पहले भी दिखाया हुआ है, तो इस बार चलिए संगम पर फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको गंगा जहाँ से शुरू होती है उस जगह को। तो आइए चलते हैं। करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जब चढ़ेंगे देन आई विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम। खैर चलो, आए हैं तो जाना ही होगा, जाने के लिए आए हैं घाट देखने के लिए। यहाँ से गंगा जल भी लेना, तो देखते हैं वो गंगा जल उठाने के लिए जो कैंस वगैरह होते हैं मिलते हैं कि नहीं, प्लास्टिक के बॉटल्स। वो देखो वो भागीरथी नदी, देखो कितना साफ पानी है। देव प्रयाग वही स्थान है जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और बन जाती है गंगा, पतित पावनी गंगा। एक ओर जहां भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलकर गंगोत्री होते हुए यहां आ पहुंचती है, तो दूसरी ओर सतोपंत ग्लेशियर से निकलती हुई अलकनंदा नदी बद्रीनाथ होते हुए यहाँ देव प्रयाग पहुँचती है और यहाँ पर होता है इन दोनों नदियों का संगम। ये पुल को पार करते हैं और चलते हैं आगे देव प्रयाग संगम तक और साथ में रघुनाथ मंदिर भी जाएंगे। ये देखिए भागीरथी नदी का पानी कितना साफ है, ब्लू, एकदम पूरा ब्लू कलर का पानी है ये। और वहाँ पे मेन संगम का स्पॉट है, पहले भी मैं एक बार आया था, दिखाया था अपनों को, और अच्छे से दिखाऊंगा। चलिए ये पुल जो है हल्का फुल्का हिल रही है, ये आ रही है गंगोत्री से आगे रहती और वहां संगम हो जाता है अलकनंदा से और वहां से बन जाती है गंगा। तो सबसे पहले रघुनाथ मंदिर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पुराना मंदिर है। तो ये है रघुनाथ मंदिर का रास्ता, ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं जो रघुनाथ मंदिर तक जाती है। पहुंच गए रघुनाथ जी की मंदिर। अभी मंदिर बंद है क्या? तो अंदर मैंने दर्शन किए और यहाँ पे राम मंदिर है। कहा जाता है कि ये करीब 2000 साल पुरानी मंदिर है
इसकी स्थापना किसने की आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ एज पर लीजेंड्स भगवान श्री राम रावण को मारने के पश्चात यहाँ आए थे प्रायश्चित करने, क्योंकि उन पर जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। रावण क्योंकि एक ब्राह्मण था, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम जी यहाँ पधारे, उन्होंने तपस्या की, प्रायश्चित की, यहाँ पर उनकी एक गद्दी बनी हुई है जहाँ बैठ के वो प्रायश्चित किया करते थे। तो चलिए वो गद्दी आपको दिखाऊंगा, मंदिर की पूरी परिक्रमा कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो अच्छा लगता है इन जगहों पर आकर, और मेरे हिसाब से हमारे हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है इसको आप मानिए, इसमें बहुत कुछ आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे, ऐसी कहानियाँ मिलेंगी। कहानियाँ क्या, ये लोक कथाएँ हैं, कथाओं में इन बातों में सच्चाई भी है। तो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो, ऋषिकेश आ रहे हो, ऋषिकेश से सिर्फ 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है देवप्रयाग, और जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है अलकनंदा और भागीरथी के संगम से, वहाँ भी आप जरूर आओ। ये है भगवान श्री राम की गद्दी, कहते हैं कि यहाँ बैठ के उन्होंने तप किया था, प्रायश्चित की थी रावण को मारने के पश्चात। ये रघुनाथ मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है, और ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ देवप्रयाग में प्रायश्चित करने आए थे, और उन्होंने इसी स्थान को चुना अपनी तपोभूमि बनाने के लिए। और ये वही गद्दी है जिस पर श्री राम बैठकर तपस्या किया करते थे। इस मंदिर के पुजारी जी ने मुझसे कहा कि ये मंदिर करीब 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर 5-6 हजार साल पुराना भी हो सकता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये किसी को नहीं पता। अब चलते हैं संगम की ओर, देवप्रयाग का संगम देखने। चलिए वहां चलकर आपको और अच्छे अच्छे दृश्य दिखाऊंगा, और अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे वहां पर। तो फिर से सीढ़ियां उतरते हुए मैं जा रहा हूँ, आगे चल के संगम दिखाऊंगा आपको। तो आइए अब चलते हैं देवप्रयाग के महासंगम को देखने। तो यहाँ पहुंचे हम, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा, वो देखिए संगम कितना फोर्स से पानी का, आप देख सकते हैं। ये जो है अलकनंदा है, और ये वाली है भागीरथी, दिस वन, और यहाँ पर जो है गंगा बनती है। यहाँ गंगा मैया की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई है जहाँ पूजा अर्चना होती है उनकी, और ये देखिए संगम का दृश्य अलकनंदा और भागीरथी का महासंगम और गंगा की उत्पत्ति। अब चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि टेहरी डैम में पानी छोड़ा गया है, और कभी भी नदी का जो है जल स्तर बढ़ सकता है, तो इसलिए नदी के किनारे ना जाएं आप, सही रहेगा। पानी भरवाया भाई साहब ने, भर के दिया गंगा जल हम लोग रांची वाले, और ये रांची वाले मिल गए हमारे पास, है ना, अपने ही शहर के, है ना। सुभाष है रामगढ़ से, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे शहर से ही है, मेरे शहर से थोड़ी सी दूरी पर इनका शहर है रामगढ़ रांची से। तो मिल के अच्छा लगा इनसे, और अभी चलो मिल के अच्छा लगा, सब्सक्राइब किया,
वेटर्स ऑफ भागीरथी एंड दी अलकनंदा रिवर फॉर्म्स द रिवर गंगा हियर। ये 7 प्रयागों में से एक है देव प्रयाग, मैंने कहा आपसे पहले भी। तो देव प्रयाग इज देयर, देन रुद्र प्रयाग इज देयर, विष्णु प्रयाग इज देयर, नद्य प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, और हमारा प्रयाग है सोन प्रयाग भी है, और हमारा प्रयाग जिस पर मैंने बताया वो है नंबर। जल के इस धारा को देख के लग रहा है कि यहाँ घंटों बिताऊं, लेकिन उतना समय नहीं है क्योंकि अंधेरा होने वाला है, सूर्यास्त होने को है। लोग अभी भी यहाँ पे स्नान करके जल वगैरह भर रहे हैं, गंगा जल ले जा रहे हैं। ये भगवान श्री राम के चरण पादुका है, यहाँ पर चरणों के निशान आप देख रहे हैं ना। ये देवप्रयाग संगम स्थल से बस थोड़ा सा ऊपर ही है। अलकनंदा भागीरथी सरस्वती। यहाँ पर मछलियाँ देखिए किस तरह से दिख रही हैं पानी के नीचे, और ये काफ़ी गहरी है भागीरथी नदी, और जिसका फ्लो कम है क्योंकि वहाँ पे पानी छोड़ा गया है, जल छोड़ा गया है टेहरी डैम में, तो किसी भी समय इसका फ्लो जो है बढ़ सकता है। और ऐसे भी यहाँ देख करके लग रहा है आपका अलकनंदा का फ्लो को देख करके। से संगम का दृश्य, और ये जो आप देख रहे हो ये एक यूनिवर्सिटी बन रही है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो शायद पूरे इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी संस्कृत की। अच्छा है भाई, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारा सनातन धर्म, यहाँ तक कि हमारी जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, जो मूल भाषा है, एटलीस्ट वो प्रिजर्व रहेगी। लोग एटलीस्ट याद रखेंगे कि हाँ संस्कृत भी जो है हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, आज भी है। तो इस खूबसूरत संगम को देखने के बाद अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम लोगों ने होटल बुकिंग कर रखी है, वहाँ चलते हैं, चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा शाम का ऋषिकेश, और फिर कल और परसों दो दिन है हमारे पास ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर चलते हैं, चलो जय गंगा मैया।